और एंटरटेनमेंट का खास कुछ पता नहीं, बट एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है पब्लिक में, क्योंकि लाइव टीवी पर अतीक अहमद और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम पट से हेडशॉट। प्रयागराज, वो शहर जिसमें इन्होंने सालों तक दहशत मचाई थी, उसी की एक मेडिकल कॉलेज के अंदर पुलिस के सामने इनको गोली मारी गई और फिर अटैकर्स को पुलिस ने ही अरेस्ट कर लिया। मैं बता रहा हूं, ऑस्कर्स थोड़े जल्दी हो गए, वरना बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड भी अपन लोग को ही मिलता। नाउ जो शॉकिंग चीज थी वो ये कि ये तब हुआ जब ये दोनों कैमरा और माइक के सामने थे लाइव टेलीविजन पर। ऐसा क्लाइमेक्स अनुराग कश्यप की मूवीज में नहीं होता जितना IRL हो गया। इस केस के बाद ऑब्वियसली माहौल काफी सेंसिटिव हो गया है, हाई अलर्ट जारी हो गया है और उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। अब ये मर्डर किसने किया, किसने करवाया, ऑफिशियली इस मामले में कोई क्लैरिटी नहीं है। आप अपना गेस बना सकते हो, बट हाँ कुछ ट्वीट मत कर देना, सेंसिटिव मसला है, पेले जाओगे। और ये इस हफ्ते का इकलौता एनकाउंटर नहीं है। सेम केस में कुछ ही दिनों पहले यूपी के झांसी में एक एनकाउंटर हुआ जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उनके साथी गुलाम को पुलिस ने मुठभेड़ में ठाई ठाई कर दिया। अतीक अहमद, मुझे नहीं लगता कि अब कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, ये पहले से काफी फेमस थे और अब तो इनके कारोबार से लेके सूसू की धार तक मीडिया ने आपको सब बता दिया है। फिर भी इफ यू आर लिविंग अंडर द रॉक, आपको नहीं पता ये यूपी के प्रयागराज के एक माफिया रहे हैं, है नहीं थे। हत्या, लूट, डकैती, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपके घर में जितने सूट केसेस नहीं होंगे इनके घर में क्रिमिनल केसेस हैं, थे। और हाल ही में प्रयागराज में एक दिन दहाड़े हत्याकांड हुआ था, फुल बिल्कुल गैंग्स ऑफ वासीपुर स्टाइल। केला पक्का पेट खराब है उसका, फिर भैया खरीदेगा वो, खाएंगे तो हम लोग। मजाक चल रहा है यहाँ पे भाई, एक साइड माफिया है दूसरी साइड सरकार, मरोगे बाद में पहले पैंट गीली हो जाएगी। खैर एनकाउंटर हुआ, बड़ी खबर बनी और ऑनलाइन अदालत में कुछ दलीलें पेश की गई। फालके आशीष ने लिखा, ये तो होना ही था, योगी महाराज की जय। शिव स्पीक्स ने तो अपनी फोटो शेयर कर दी, वोटेड फॉर दिस डे ओनली, थैंक्स टू ऑनरेबल CM योगी आदित्यनाथ जी। प्रियंका शर्मा ने लिखा, वाह क्या बात है, और अगर आप बाकी कमेंट देखोगे सब जगह वाह 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 चल रहा है। नाउ हाउएवर एक तबका ऐसा भी था जो सेटिस्फाइड नहीं था, उन्होंने बोला कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, मतलब कि ये गलत है, कानून के अंतर्गत कार्रवाई नहीं हुई है माय लॉर्ड। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने लिखा, जब पुलिस की सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या, इससे जनता के बीच भय का माहौल बन रहा है। तहसीन पूनावाला है, एक पॉलिटिकल फिगर है, उन्होंने बोला है, इफ वी सेलिब्रेट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग एंड रिवेंज बाय द स्टेट एंड इफ वी सेलिब्रेट एनकाउंटर ऑफ आवर लॉस, इट शोज दैट लॉज ऑफ दिस ग्रेट नेशन ऑफ आवर्स हैज फेल्ड आवर पीपल एंड इट इज नॉट जस्ट कोर्ट्स बट इवन द पुलिस दैट हैव लेट अस डाउन। सबा नकवी ने लिखा कि एन एनकाउंटर इज अ मर्डर अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ एंड दोज सेलिब्रेटिंग इट हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ। एंड जिनके रिस्पॉन्स का सब वेट कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ये कहा, ये कानून की धज्जियां उड़ रही है एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। अगर इनिशियल रिएक्शन की बात करूं तो कुछ लोग सपोर्ट में थे, बट ज्यादातर लोग इस एक्शन के खिलाफ थे। कोई सपोर्ट में, कोई खिलाफ में, लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा जो शॉक्ड नहीं था। एक इंटरनेट यूजर ने बड़ा सही लिखा कि उत्तर प्रदेश इज अनरियल, वन क्राइम इज रिकॉर्डेड ऑन CCTV एंड द रिवेंज ऑन लाइव टीवी। एंड नाउ ऑब्वियसली सवाल उठता है कि अगर ये एनकाउंटर फेक था तो लोगों में इतना खुशी का माहौल क्यों था? वो इसलिए क्योंकि ये एनकाउंटर रियल था या फेक, इससे लोगों को उतना ही फर्क पड़ता है जितना सिगरेट के पैकेट पर छपी कैंसर की वार्निंग से। बिकॉज पीपल वॉन्ट दिस काइंड ऑफ एक्शन। जो इलाहाबाद की सड़कों पर दिन दहाड़े AK-47 लहराते थे, उनकी पैंट गीली देखना लोगों के लिए ऑर्गाज्मिक है काफी। और जब ऐसा क्लाइमेक्स होता है, अखबार में ऐसी हेडलाइन छपती है, तो लोगों को सुबह चाय के साथ और पनवाड़ी में डिस्कस करने में बहुत मजा आता है। और आपको अगर इस इंसान के बारे में जानना है तो आप इंटरनेट पर फलाने आर्टिकल पढ़ लो, एक ये रहा। लेकिन अगर आपको ग्राउंड रियलिटी जानना है, देन यू हैव टू टॉक टू समवन जिसने इलाहाबाद ऑफ 2000 देखा हो। कहीं भी किसी को मार देना, कहीं भी धमका देना, कहीं पे भी गोली लहरा देना, किसी को भी अगवा कर देना, आम भाषा में इसका शब्द होता है ना अतमचा देना। जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को अपने लॉ पर रखकर अपना साम्राज्य बनाया हो, पब्लिक में उनके लिए कोई ज्यादा सिंपैथी है नहीं। और आपको हिस्ट्री में इसके कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। 90s में मुंबई में फेक एनकाउंटर्स होते थे, पब्लिक सेलिब्रेट करती थी, विकास दुबे का एग्जांपल ले लो। हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डी के जो रेपिस्ट थे उनके साथ भी यही हुआ था, पब्लिक ने तब भी सेलिब्रेट किया था। मतलब ऐसे लोगों के खिलाफ लोगों को चाहिए बस एक्शन। अब घी सीधी उंगली से निकले या टेढ़ी उंगली से, उनको फर्क नहीं पड़ता। नाउ हैविंग सेड दैट, कुछ केसेस में पब्लिक सेंटिमेंट हावी हो जाता है, आप डिस्काउंट दे देते हो, बट दिस ट्रेंड ऑफ एनकाउंटर इन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो खासकर पिछले कुछ टाइम में ज्यादा ही बढ़ गया है, इज एक्चुअली डेंजरस। क्योंकि अपराधी आएंगे जाएंगे, बट लॉ एंड ऑर्डर एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस का मजाक नहीं बनना चाहिए। संविधान का, रूल ऑफ लॉ का अपना सम्मान होता है, क्योंकि ये जो अब हुआ है इसकी नेशनली इंटरनेशनल भी हेडलाइंस बनेंगी और इसका असर इनडायरेक्टली बहुत चीजों पर पड़ता है। और स्टेट को इम्प्यूनिटी देना कभी भी अच्छा नहीं होता, ये मेरा मानना है। इसमें एक और फैक्टर ये भी, एक मिनट
अबे चला जा, आजकल एनकाउंटर बहुत हो रहा है, और तू तो वैसे ही रेडार पे रहता होगा। एनकाउंटर तो एक बार होता है भैया, जिंदगी तो रोज जान लेती है। गरीबों के शाहरुख खान, काम कर अपना, निकल। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो मालिक थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दो। चलो निकलो, थोड़ा हे गाइस वे गाइस करके बात किया करो, ऐसे नहीं मिलते सब्सक्राइबर, ऐसे बनते इन्फ्लुएंसर। थोड़ा गालियां शालियां दो, कंट्रोवर्सी करो। भैया गाली देना तो नहीं, खाना आता है उससे। चल भाई यहां से, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर।